हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं टीनिया के बारे में। हमने प्लेटी हेलमेंथिस में पहले पढ़ा था क्या, फेशियोला हेपेटिका। तो आज जो क्लास हमारा है सिस्टोडा, उसका एग्जांपल है कौन, टीनिया। उसके बारे में देखिए पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो जो इसकी क्लासिफिकेशन होगा क्या, जो इसके फाइलम है वो हमारा क्या, फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस, जिसमें कि क्या होते थे हमारे प्लेटफॉर्म रखे जाते हैं, प्लेटी हेलमेंथिस। फिर हमारा जो क्लास है वो क्या है, हमारा क्लास हमने पढ़ा था सिस्टोडा सेकंड लेक्चर, अपने फर्स्ट लेक्चर में। इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या है, टीनियोइडी। फिर इसका जो ऑर्डर के बाद इसका जो फैमिली होगी वो क्या होगा, टीनिडी। फिर जो इसका जीनस वो क्या है हमारा, टीनिया। और जो स्पीसीज है वो दो स्पीसीज हम कॉमनली पढ़ते हैं, वो कौन कौन सा, सोलियम और सेगिनाटा। टीनिया, सोलियम और सेगिनाटा। देखिए इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉमनली बोलते हैं टेप वॉर्म, कॉमनली नोन एज क्या कहते हैं, टेप वॉर्म्स। ये क्या होते हैं, ये डाइजेनेटिक होस्ट, डाइजेनेटिक पैरासाइट है। मतलब इसमें दो तरह के होस्ट होंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये क्या है, डाइजेनेटिक, दो होस्ट कौन कौन से, प्राइमरी होस्ट जो इसका कौन कौन सा और सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। देखिए जो प्राइमरी होस्ट कौन सा, मैन, और जो सेकेंडरी होस्ट होगा, ये दो स्पीसीज जो है इन दोनों कंडीशन में अलग अलग होगा। देखिए सेकेंडरी होस्ट कौन कौन होगा, अगर हम बात करते हैं टीनिया सोलियम की, स्मॉल में टीनिया सोलियम की, और तो टीनिया सोलियम को हम क्या बोलते हैं, पोर्क टेप वॉर्म। तो नाम से स्पष्ट क्या है, इसका पोर्क है, तो जो सुअर का मांस होता है उसे क्या बोलते हैं, मतलब पोर्क। तो यहाँ पे कौन सा होगा इसका सेकेंडरी होस्ट, पिग। और हम बात करते हैं टीनिया सेगिनाटा की, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीफ टेप वॉर्म। इसमें बीफ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो गाय का मांस को हम लोग क्या बोलते हैं, बीफ। तो यहाँ पे क्या होगा, कैटल, कौन होगा, कैटल। तो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग स्पीसीज में दो अलग अलग, यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट, पहले में टीनिया सोलियम पिग और टीनिया सेगिनाटम क्या होगा हमारा, कैटल। देखिए कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये पाया था कौन, ये हमारा टीनिया सोलियम या टीनिया सेगिनाटा। अब देखिए जब हमारे इंटेस्टाइन में ये पाया जा रहा है, तो देखिए उसकी कुछ वीडियो देखिए किस तरह से पूरे इंटेस्टाइन को ये कवर किए हुए हैं। अब इंटेस्टाइन में ये करीब 5 से 6 मीटर तक लंबा हो जाता है। देखिए कुछ यहाँ पे वीडियो देखिए यहाँ पे ये जो इसका आगे स्कॉलेक्स जो इसका हेड होता है, देखिए उससे अटैच है किसमें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की है। और देखिए नीचे देखिए ये कितना लंबा पूरे इंटेस्टाइन को कवर किए हुए, और अंदर तक ये फोल्डिंग में अंदर देखिए कितना अंदर तक ये हमारे इंटेस्टाइन में, एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके, ये क्या है उसके इंटेस्टाइन में यहाँ पे पाया जा रहा है। देखिए इसकी जो रियल पिक्चर, देखिए जो इसका जीवित है यहाँ पे देखिए ये कैसे दिख रहा है हमें यहाँ पे। देखिए इसका एक स्पेशल करेक्टर है कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाया जाएगा और माउथ नहीं पाया जाएगा, नो माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल
ये क्या करता है, जो एब्जॉर्प्शन कैसे करता है, ये जो फूड जो इसकी बॉडी है, बॉडी सरफेस से क्या करता है, इंटेस्टाइन के जो इंटेस्टाइन में जो भी जो प्री डाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, वो क्या करता है, इसको ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर बॉडी सरफेस के थ्रू। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, टीनिया सोलियम और सेगिनाटा में। देखिए जो अगर इसकी हेड की बात करते हैं, अगर इसकी हेड की बात करें, ये क्या है इसका रॉस, ये इसका रॉस टेलर है, ये क्या इसके सकर। देखिए टीनिया सोलियम में ये रॉस्टेलम पाया जाएगा, पर टीनिया सेगिनाटा में ये रॉस्टेलम नहीं पाया जाएगा। देखिए रॉस्टेलम है यहाँ पे, दिखते हैं इसके हुक। अब देखिए यहाँ पिक्चर्स, देखिए इस पिक्चर में एकदम क्लियरली दिख रहा है कि टीनिया जो सोलियम है उसमें ये जो हमारा रॉस्टेलम दिख रहा है, और जो टीनिया सेगिनाटा है उसमें ये नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं इसकी पूरे स्ट्रक्चर की, तो इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका पूरी बॉडी है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्कॉलेक्स, नेक और जो स्ट्रॉबिला है इसका, उसके में डिवाइड किया गया है। तो हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं कैसे इसको डिवाइड किया गया, चलिए देखते हैं। देखिए अगर बात करें हम इसके स्ट्रक्चर की, पूरे मॉर्फोलॉजी की, तो इसके जो बॉडी अपने बताया, अभी बताया था, क्या बताया था, स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रॉबिला। देखिए यहाँ पर जो इसका डायग्राम दिख रहा है, इसमें एकदम क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये डिवाइड किया गया है। जो इसका एंटीरियर एंड है बॉडी का, वो देखिए हमें नॉब लाइक दिख रहा है, नॉब लाइक और क्वाड्रेंगुलर दिख रहा है, मतलब चार इसमें कोन शेप दिख रहे हैं। इस चार कोने पे क्या दिख रहा है हमें, इस पे पाए जा रहे हैं इसके सकर्स, और इसके जो एपेक्स पे या इसके टॉप पे क्या दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है रॉस्टेलम, जो कि ये टीनिया सोलियम केस में पाया जाएगा, पर जो हमारा टीनिया सेगिनेटा है उसके केस में ये नहीं पाया जाएगा। और देखिए फिर उसके नीचे देखिए दिख रहा है हमें नेक, ये क्या है, शॉर्ट है, नैरो एंड अनसेगमेंटेड रीजन बिहाइंड स्कॉलेक्स। अब देखिए ये क्या है, इसको और हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बडिंग जोन एंड ग्रोथ जोन, एरिया ऑफ प्रोलीफरेशन एंड एरिया ऑफ सेगमेंटेशन, इसको भी हम बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे जो उसके बाद जो पूरी बॉडी है उसको स्ट्रॉबिला हम कहते हैं, और वो स्ट्रॉबिला तीन पार्ट में देखिए डिवाइड है। पहला है इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स, देखिए जो ये सेगमेंट्स इसको प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं हम, तो देखिए पहला है इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स दिख रहा है हमें, फिर दिख रहा है हमें मेच्योर प्रो ग्लॉटिड्स, फिर हमें दिख रहा है ग्रेविड प्रो ग्लॉटिड्स। अब देखिए ये जो मेच्योर प्लोग्लॉटिड्स हैं, ये क्या है, ये करीब 450 मेच्योर प्लोग्लॉटिड्स जो होते हैं वो एंटीरियर एंड पे पाए जाते हैं हमारे, जो इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर एंड है, तो उसके लिए एंटीरियर साइड पे ये करीब 100 से जो ये मेच्योर तो हैं, पर उसमें जो एंटीरियर एंड के जो 100 to 50 प्रोग्लॉटिड्स हैं वो उसमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव से ऑर्गन्स होते हैं। और जो हमारा ये देखिए पोस्टीरियर एंड पे दिख रहा है पूरा मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें होते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको हर्मफ्रोडाइट। देखिए ऑन, अब देखिए बात करते हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, ये क्या होते हैं, जो लास्ट के हमारे 50 to 350 प्रोग्लॉटिड्स हैं वो क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। देखिए इसमें क्या होते हैं, जब ये प्रोग्लॉटिड्स बाहर शरीर के निकलना होता है, तो इसमें मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डिजेनरेट हो जाते हैं, और इसमें केवल क्या बचता है, इसमें केवल बचते हैं फर्टिलाइज एग। अब देखिए जो हमने हम बोल रहे हैं कि ये जो इसका जो मेच्योर ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स है वो बॉडी से निकल जाता है, तो इस जो बॉडी से निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग एपोलाइसिस। ये देखिए एग्ज़ाम में पूछा गया है एपोलाइसिस। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका जो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन आपने देखा था कैसे होता है, अभी बताया था हमने आपको, ये न्यूट्रिशन कैसे करता है, इसमें लैक्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड माउथ इसमें पाया नहीं जाता है। तो क्या करता है, ये जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या करता है, वो अपने बॉडी के थ्रू, जैसे ग्लूकोज है, अमीन है, कोलेस्ट्रॉल है, वो अपने बॉडी के थ्रू क्या करता है, डिफ्यूजन के थ्रू अपने बॉडी से एब्जॉर्ब करता रहता है। तो इसका स्कॉलेक्स है, इसका काम, यह सकर्स लिखे हुए हैं, इसका काम सक करना नहीं है, इसका काम क्या है, इसका काम अटैचमेंट है, किससे, इंटेस्टाइन के उससे वॉल से अटैचमेंट का काम करता है ये। अब देखिए नेक्स्ट हमने एक्सक्रीशन देखा था, एक्सक्रीशन में फ्लेम सेल के द्वारा होता है, जैसे हमने पढ़ा था उसमें फेशियोला हिपेटिका में। देखिए रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है,
इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें टेस्टिस दिख रहे हैं और हमें दिख रहा है यहाँ ओवरी। देखिए जो हमारा टेस्टिस है वो देखिए, हम अब देखिए इसमें जो हमने बोला था हर्माफ्रोडाइट होते हैं, तो इसमें जनरली क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। आप कहेंगे सर क्रॉस कैसे होता है, क्योंकि इसमें तो एक ही टीनियस ओलियम पाया जाता है पूरे उसमें। तो जो इसके प्रोग्लॉटिड्स हैं, हर प्रोग्लॉटिड्स में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्लॉटिड्स हैं आपस में क्या करते हैं, आपस में ये फोल्ड फॉर्म में पड़ा पाया जाता है, तो आपस में ये क्या करते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। मतलब या तो सेम स्ट्रॉबिला प्रोग्लॉटिड्स आपस में करेंगे, या तो डिफरेंट प्रोग्लॉटिड्स भी आपस में मेल एंड फीमेल कॉपुलेशन होगा इसमें। अब देखिए जो स्पर्म होता है वो कहाँ जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि वो वेजाइने के थ्रू कहाँ चला जाता है, सेमिनल जो यहाँ पे रिसेप्टिकल दिख रहा है उसमें आके इकट्ठा हो जाता है। और नीचे दिख रहा है हमें ओवरी, ओवरी से निकलता है क्या हमारा ओवा, और ओवा जाके फर्टिलाइज करता है इसमें फर्टिलाइजेशन डक्ट में, और ये सब चले जाते हैं कहाँ बाद में, फिर जो हमारा यूट्रस है जिसमें ये हमारे जो हमारा ये एग है वो क्या होता है यहाँ पे मैच्योर होता है। अब देखिए जो ये प्रोग्लॉटिड्स हैं, जिसके हम अगर पूरी लाइफ साइकिल की बात करें, ये तो हो गया इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, तो देखिए इसकी जो लाइफ साइकिल है वो देखिए कुछ इस तरह से कंप्लीट होती है। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, अगर देखिए मैन है, मैन से क्या निकलेगा, एक प्रोग्लॉटिड्स निकलेगा जो शेड होकर जो एपोलाइसिस के थ्रू एक प्रोग्लॉटिड्स निकल रहा है। प्रोग्लॉटिड्स के अंदर क्या है हमारा एग, जो एग होता है वो कौन खा लेगा, टीनिया सोलियम के केस में खाएगा पिग, और हमारा सेगिनेटा क्लास में कौन दिख रहा है हमें, के केस में कौन दिख रहा है हमें, यहाँ पे कैटल दिख रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए, एग को कंज्यूम कर लेंगे। अब देखिए कंज्यूम करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लार्वल स्टेज यहाँ पे आती है। अब देखिए जो ये हमारे जो इंटरेस्ट, देखिए ये क्या होगा, ये जो हमारा जो इसका ये प्रोग्लॉटिड्स जो एग निकले हुए हैं यहाँ पर, देखिए कुछ एग इस तरह से जो होता है हमारा एग वो क्या करेगा, अंदर जाके मैच्योर होगा, उसके अंदर बनेगा क्या ऑन्कोस्फेयर मेम्ब्रेन, फिर ये ऑन्कोस्फेयर क्या करेगा, ऑन्कोस्फेयर से बनेगा क्या ये हेक्साकैंथ लार्वा बनेगा। ये हेक्साकैंथ लार्वा क्या करता है, ये हेक्साकैंथ लार्वा ही इंटेस्टाइन के थ्रू पहुंचता है लीवर में, लीवर थ्रू पहुंचता है हर्ट में, हर्ट थ्रू ब्लड में, और ब्लड से जाके किस में चला जाता है, ये ब्लड से जाके चला जाता है किस में, जो इसका फ्लैश होता है, चाहे वो जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है उनमें पहुँच जाता है। देखिए यहाँ पर पिक्चर्स, देखिए कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है ये। अब इस कंडीशन को यहाँ बोलते हैं हम लोग, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग सिस्टी सर्कस, ये लार्वा कंडीशन है, सिस्टी सर्कस लार्वा यहाँ पहुँच जाता है किस में, पहुंच जाता है इसके मसल्स में। देखिए यही जब जो हम लोग अनकुक्ड जो हमारा फ्लैश होता है उसको अगर कंज्यूम करता है कोई मैन, चाहे वो बीफ हो चाहे वो पोर्क हो, तो उसमें जो इमेच्योर जो इसमें मेच्योर जो सिस्टी सर्कस होते हैं जो अनकुक्ड फ्लैश में पाए जा रहे हैं वो कहाँ चला जाता है, एक मैन के अंदर चला जाता है, और वही क्या करता है बाद में डेवलप बनता है क्या एडल्ट टैप वॉर बनता है। तो हमने आज ख़त्म कर लिया क्या, आज हमने ख़त्म किया टीनिया सोलियम, जो कि पीजीटी के सिलेबस में इसके लाइफ साइकिल पूछी गई है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने बहुत ही कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।